नमस्कार सभी को। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन पर निगाह डालो। इसने कहा इन थ्योरी द टू वुड वर्क टुगेदर टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ डिजीज एंड एक्सपेंड द एरिया ऑफ सेफ्टी विद एंड द क्लींजिंग ऑफ पास्चर ग्रेजुअली रिप्लेसिंग सेमी परमानेंट। इस सेंटेंस में आपको जो ना पांच ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इन पांचों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ऑप्शंस में सबसे पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आपके सामने ऑप्शंस आए फिलर्स के लिए, देखो एक तो फिलिंग यहाँ करनी है, इसमें एक फिल आपको यहाँ पे करना है। जब भी फिलर्स के लिए ऑप्शंस आते हैं सबसे पहले ऑप्शन के मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे अगर पहला वर्ड है तो यहाँ पे लिखा सुकम और एमेरिटस, अगर तुम्हें इनके मीनिंग ही नहीं पता तो क्या करोगे तुम एग्जाम में, मतलब इनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए वोकैब जरूर स्ट्रॉन्ग करें अपनी। एक है फ्रैकस और एमिटी, एक है इम्यूनिटी और लेजिस्लेशन, एक है इम्यूनाइजेशन और क्वारंटाइन। क्वारंटाइन तो फिर आजकल बहुत ज्यादा चलने वाला वर्ड है, बहुत प्रचलन में आ गया क्वारंटाइन। तो स्ट्रेचर और स्कैम्पर, यदि तुम्हें इनके मीनिंग्स मालूम है तो ये क्वेश्चन होगा, अगर मीनिंग्स मालूम नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। ये रिटर्न में कह रहा हूँ इस बात को मैं, अगर तुम्हें इन ऑप्शंस के मीनिंग मालूम। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि जी हमें फिल इन द ब्लैंक करने सिखा दो, हमें क्लोज टेस्ट करना सिखा दो। अबे जब तक तुम्हारी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, तुम इनको करोगे कैसे? तुम्हें इनके मीनिंग नहीं पता तो कौन बताएगा इसमें ए ऑप्शन आएगा, बी आएगा, सी आएगा? सबसे पहले क्या करना है आपको, इन वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए। जैसे पहला वर्ड है सुकम, इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वैसे तो तक है, देखो सुकम का मीनिंग होता है जब आप किसी के अधीन हो जाते हैं। बताता हूँ, सुकम का मीनिंग होता है किसी के अधीन हो जाना, किसी के सामने दब जाना, घुटने टेक देना किसी के सामने अधीन। दूसरा वर्ड है एमेरिटस, एमेरिटस का मतलब होता है सेवा मुक्ति। इसमें आदमी अपनी जो जॉब होती है उस जॉब से रिलैक्सेशन पा जाता है, उस जॉब को छोड़ देता है, सेवा मुक्ति को बोलते हैं एमेरिटस। दूसरा वर्ड है फ्रैकस और एक है एमिटी। यदि फ्रैकस का मीनिंग देखते हैं तो फ्रैकस का मीनिंग होता है उपद्रव, ये दंगे फसाद को बोलते हैं, उपद्रव को बोलते हैं। और एमिटी होता है भाईचारा, एक टाइप से भाईचारे की सेंस होती है। बाकी एमिटी का मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। देखना इम्यूनिटी एक वर्ड होता है, एक होता है लेजिस्लेशन। इम्यूनिटी आप जानते हैं प्रतिरक्षा तंत्र होता है, लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन कानून को बोलते हैं, लेजिस्लेशन कानून से संबंधित होता है। इम्यूनाइजेशन किस चीज में डेवलपमेंट लाना होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रोंग करना होता है। और क्वारंटाइन होता है जब किसी आदमी को इन्फेक्शन से बचने के लिए कहीं अलग रखते हैं, क्वारंटाइन होता है। और स्ट्रेचर जिस पर मरीज को लेके जाते हैं, और स्कैम्पर का मतलब होता है कहीं से दौड़ना, ये दौड़ लगाना होता है स्कैम्पर। तो अगर इनके मीनिंग्स आपको मालूम है तब आप सेंटेंस को पढ़िए, नहीं मीनिंग्स मालूम है तो देखो अगला क्वेश्चन पढ़िए, फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपने बोला इन थ्योरी, अगर थ्योरी देखें दैट टू, दो लोग जो है वुड वर्क टूगेदर, ये दो लोग क्या है आप साथ में काम करेंगे टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ डिजीज, कि बीमारी के असर को, बीमारी के जो खतरा है उसे कम किया जा सके। इसलिए दो लोग हैं वो एक साथ काम करेंगे एंड एक्सपेंड द एरिया ऑफ सेफ्टी, और एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बढ़ाएंगे, बढ़िया सेफ्टी के दायरे को बढ़ाएंगे विद। अब देखो विद क्या हो सकता है, सुकुम आएगा, उपद्रव, उपद्रव तो आ नहीं सकता क्योंकि बात डिजीज की चल रही है, तो उपद्रव वाला तो वर्ड बी वर्ड तो गलत हो गया। अब सुकुम होता है किसी के अधीन हो जाना, दब्बू बन जाना। उसने कहा विद सुकुम लगा तो विद द सुकुम एंड क्लींजिंग, अब क्लींजिंग, अब देखो सफाई करनी है, पास्चर ग्रेजुअली जो घास का मैदान, जो मैदान है उसको धीरे धीरे उसको साफ सफाई करना है, रिप्लेसिंग सेमी परमानेंट। और उसको सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट का मतलब होता है परमानेंट तो हमेशा के लिए हो गया, और सेमी परमानेंट होता है उसे कम समय के लिए क्या करना है, सेवा मुक्त करना है। मतलब जो क्लींजिंग ऑफ पास्चर है, पास्चर को, जगह को, उस एरिया को कुछ समय के लिए सेवा मुक्त करना है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ना यहाँ अधीन की सेंस सेवा मुक्ति की सेंस है, ना यहाँ पे फ्रैक्टस और एमिटी की सेंस है, ना स्ट्रेचर स्कैम्पर दौड़ लगाने की कहीं से कहीं तक बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ जो वर्ड जाएगा, लेजिस्लेशन कानून की कोई बात नहीं है, यहाँ सही वर्ड जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन। इसका मतलब है कि इम्यूनाइजेशन होगा ताकि हम लोग सेफ्टी को बढ़ा सकें, डिजीज के थ्रेट को कम कर सकें, और विद इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रोंग किया जा सके, और जो एरिया है, जो मैदान वैदान जो भी है उसको ग्रेजुअली हम रिप्लेस कर सके सेमी क्वारंटाइन एरिया से। क्वारंटाइन का मतलब होता है जहाँ पर हम इन्फेक्शन से बचने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को रखा जाता है, वो एरिया होता है क्वारंटाइन, अलगाव।
लोगों को इम्यूनिटाइज बनाने के लिए, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना का टाइम में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, मतलब ज़्यादातर पूछा भी जाता है आजकल ये वर्ड, तो क्वारंटीन जो वर्ड जाएगा ये वर्ड अप्रोप्रिएट होगा। तो मीनिंग समझिए और सेंस को निकालने की कोशिश कीजिए कौन सा वर्ड इसमें करेक्ट होगा। तो यहाँ जो करेक्ट होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन कि विद इम्यूनाइजेशन एंड क्वारंटीन जो भी एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी वही दो फिलर्स हैं, एक आपको यहां फिल करना है एक आपको यहां फिल करना है। अब देखो इन पेशेंट इम्पेशेंट इन पेशेंट इम्पेशेंट, अगर आपको इन पेशेंट और इम्पेशेंट इन दोनों में मीनिंग नहीं फर्क नहीं पता है तो आप फंसने वाले हो। देखो इम्पेशेंट जो होता है ये होता है बेचैन आदमी, ये बेचैन होता है परेशान होता है, और जो इन पेशेंट होता है ये होता है मरीज बीमार, ये बीमार आदमी होता है। यदि आप बेचैन है परेशान है तो आप इन पेशेंट है, और आप बीमार है मरीज है तो आप इन पेशेंट। अब देखो यहां पे आपने बोला एन इज द पर्सन हु स्टेज इन ए व्हाइल ही रिसीव्स हिज ट्रीटमेंट, अब बात किसकी चल रही है ट्रीटमेंट की, समझ रहे। और देखो यहां आइसोलेशन हॉस्पिटल हॉस्पिटल आइसोलेशन, आइसोलेशन होता है अलगाव और हॉस्पिटल होता है इलाज एरिया जहां पे हम ट्रीटमेंट करते हैं बीमार का, यहां पे चल रहा है ट्रीटमेंट, आप समझ रहे। तो जब ट्रीटमेंट चल रहा है इज द पर्सन ये आदमी होता है कौन होता है हु स्टेज इन जो रुकता है। अब अगर मैं आइसोलेशन ले आता हूं तो देखो यहां पे आर्टिकल है, पॉइंट समझने की कोशिश करना किस तरह से फिलर समय करने होते हैं। यदि मैं इस ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन में आइसोलेशन ले आता हूं इसको या इसको, अगर मैं इनको ले आता हूं तो ये वॉवल साउंड यहां पर है तो वॉवल साउंड के साथ जो आर्टिकल बनता है वो एन बनता है, इसलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि समझ गए मैं क्या करूं, आइसोलेशन यहां भी है यहां भी है तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये बंदा कहां रुकेगा 100% ये बंदा हॉस्पिटल में रुकेगा। अब हॉस्पिटल इसमें भी है हॉस्पिटल इसमें भी है, क्योंकि समझ गए मैं क्या करूं यहां पे वॉवल साउंड की वजह से आर्टिकल एन बन जाता जो कि नहीं है, जो कि देखो यहां पर एन लिखा है ये भी ये भी ये भी ये भी ये सब वॉवल साउंड से स्टार्ट है इसलिए एन से बन जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन गलत है और फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब बंदा कहां रुक रहा है हॉस्पिटल में रुक रहा है, इस ऑप्शन में भी हॉस्पिटल है इसमें भी हॉस्पिटल है, लेकिन एक में इंपेशेंट है एक में इनपेशेंट है। अब हॉस्पिटल में मरीज ठहरता है या बेचैन आदमी जिसको मतलब कंफर्टेबल नहीं है जो परेशान हो रहा है बेचैन है वो ठहरता है, कौन ठहरेगा इनपेशेंट जो मरीज होता है वो आदमी हॉस्पिटल में ठहरेगा। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। An inpatient is the person who stays in a hospital while he receives his treatment. मतलब एक patient वो बंदा होता है जो एक hospital में रुकता है treatment के दौरान, इसमें आएगा C option. Next आइए इस question को देखो, his body was oscillating due to cold. अब ये भी word है जो आपकी vocab के ऊपर strong होता है, आपने word use किया oscillating. Oscillating का मतलब होता है डावाडोल हिलता डुलता, लेकिन वो cold की वजह से नहीं होता। ऑसिलेट का मतलब डावाडोल होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, ये डावाडोल चीज को ऑसिलेट बोलते हैं, लेकिन आपने कहा हिज बॉडी वाज ऑसिलेटिंग ड्यू टू कोल्ड, कोल्ड से जब आप थर थराते हैं उसे ऑसिलेट नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं शिवरिंग। ये सही वर्ड जाएगा एस एच आई वी ई आर आई एन जी, यह वर्ड जाएगा शिवरिंग। अब ये चीज आपको देखो ग्रामर भले ही इसमें एरर का सेंटेंस है लेकिन ग्रामर नहीं है यहाँ पे, हर क्वेश्चन ग्रामर का नहीं होता कि आप ग्रामर के ऊपर फोकस करते हैं। देखो मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं, अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है तो उसमें से 75 मार्क्स डिपेंड करेंगे आपकी वोकैब पावर पे, जितना अच्छा आपका वोकैब होगा उतना अच्छा आपका इंप्रूवमेंट होगा इंग्लिश के अंदर, और सिर्फ 25% रेशो रहता है ग्रामर का। लेकिन मुसीबत यह है जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है खासतौर से वो ग्रामर पे फोकस करते रहते हैं, ग्रामर पे फोकस करते रहते हैं वो कैब छोड़ते रहते हैं, इसी वजह से उनके आपने देखे भी होंगे उनका परसेंटेज यही रहता है इंग्लिश के अंदर 100 में से वो 30, 35, 25, 30, 35 इतना ही नंबर उनका गेन हो पाता है, कारण क्या वो कैब स्ट्रॉन्ग नहीं करते। तो आप वो कैब पे फोकस कीजिए अपना जितना कर सकते हैं, तो ये ऑसिलेटिंग नहीं आएगा, यहाँ वर्ड क्या जाएगा शिवर। तो हिज बॉडी वॉज शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, ये तो यहीं से पता चल रहा है ड्यू टू कोल्ड शिवरिंग की सेंस आती है। हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला, बहुत जल्दी से क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। फोर्थ क्वेश्चन, यू ही एंड आई, जिसने पढ़ा हुआ है वो समझ गया होगा इसमें प्रॉब्लम क्या है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो आगे तक पढ़ता जाएगा, शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, वो यहां तक पहुंचेगा, अनाड़ी बच्चा यहां तक पहुंचेगा, लेकिन जिसे प्रैक्टिस है वो यहीं इस पॉइंट को समझ जाएगा। ये टॉपिक है प्रोनाउन का,
जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तो आपको होता होगा ही जो होता है ये थर्ड पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और आई जो होता है ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है। मालूम है बात, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसकी सीक्वेंस होती है। जब इनके बीच में एंड आता है तो सीक्वेंस क्या होती है, या तो होती है 2, 3 एंड 1, या होती है 1, 2 एंड 3, ये सीक्वेंस होती है। अब ये सीक्वेंस कौन सी कहाँ पे यूज होती है, इसके लिए आप चैप्टर पढ़िए प्रोनाउन का। जब आप प्रोनाउन का चैप्टर, क्योंकि यहाँ नहीं पढ़ा सकता मैं इस पॉइंट को, प्रोनाउन में पढ़िए। यहाँ सीक्वेंस कौन सी लिखी है, 3, 2 एंड 1, ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं होती, तो एक गलत सेंटेंस है। इसमें ए पार्ट में एरर जाएगी, ये सीक्वेंस ठीक कीजिए 2, 3, 1 एंड 2, 3 एंड 1 के हिसाब से। यानी पहले जाएगा इसमें यू सेकंड पर्सन, फिर जाएगा ही थर्ड पर्सन, और फिर जाएगा एंड आई। ये सेंटेंस होगा यू ही एंड आई। कहाँ मिलेगा चैप्टर में पॉइंट ये वाला, ये प्रोनाउन का कंसेप्ट पढ़िए। अच्छा, जिसे पॉइंट मालूम है वो आगे बढ़ेगा ही, उसे पता है ही यू एंड आई कुछ होता ही नहीं है। सही वर्ड क्या होता है, यू ही एंड आई। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एक सेकंड का क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन आइए, द वाइस चांसलर वांट्स। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट है वाइस चांसलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने क्या यूज किया, वांट्स। वांट्स के साथ आपने लिखा ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप। द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप। वाइस चांसलर चाहता है कि सारी वैकेंसीज भर जाएं, समझ रहे। वाइस चांसलर एक रेप्यूटेड पोस्ट है, इसलिए उसके साथ में द आएगा। जितने भी डिग्निफाइड पोस्ट होते हैं, जैसे द प्रिंसिपल, द चीफ मिनिस्टर, द जो भी होता है, द CJM, द SSP, हालांकि SSP के साथ तो अगर काउंटिंग कर एन भी लगा सकते हैं आप उसमें, लेकिन वाइस चांसलर एक डिग्निफाइड पोस्ट है, उसके साथ में क्या बनेगा, द बनेगा। लेकिन यहाँ आपने बोला ऑल वैकेंसीज। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई प्लूरल नाउन है और उसके साथ में द नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये नाउन वर्ल्ड में जहां भी होगा सब काउंट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब होता है सभी, ये वर्ल्ड वाइड शो होता है, वर्ल्ड वाइड, ये किसी एक जगह की रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना, मान ली पॉइंट समझिए, गर्ल्स आर वेरी ऑनेस्ट, कि लड़कियां जो होती हैं बड़ी ईमानदार होती हैं, गर्ल्स आर वेरी ऑनेस्ट, लड़कियां ईमानदार होती हैं, तो मैंने बोला गर्ल्स, तो ये दुनिया की सभी लड़कियां इसमें काउंट होगी, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम सेंटेंस बोलते हैं इस टाइप से, स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, जो विद्यार्थी होते हैं वो समय बर्बाद करते हैं, तो इसमें कहां के विद्यार्थी आ गए, दुनिया के सभी विद्यार्थी आ गए। अब यहां देखो, हमने कहा वाइस चांसलर चाहता है कि वैकेंसीज भर जाए, तो ऑल वैकेंसीज का मतलब दुनिया की सारी वैकेंसीज भर जाए, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी वैकेंसी सभी भर जाए। जबकि ऐसा वाइस चांसलर क्यों चाहेगा, वाइस चांसलर तो अपनी वैकेंसीज की बात करेगा ना, दुनिया की वैकेंसीज की बात तो वाइस चांसलर नहीं करेगा ना। भाई मान लीजिए CCS यूनिवर्सिटी का या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो चाहता है वैकेंसीज भर जाए, तो वो कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, लेखपाल, इनसे क्या मतलब है उसको, उसका मतलब किससे, अपने डिपार्टमेंट की वैकेंसीज से। तो ऐसी स्ट्रक्चर में आपको बोलना पड़ेगा ऑल द वैकेंसीज, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा है, ये कुछ पर्टिकुलर वैकेंसीज की ही बात कर रहा है, तो ऑल द वैकेंसीज इसमें आएगा, ऑल द वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप। ये आर्टिकल का टॉपिक है, ये आपको मिलेगा आर्टिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसे देखिए, उसने बोला शी इमानेटेड एबुलियंस एज शी लर्न अबाउट हर फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। अब हमें यहाँ पे लर्न जो वर्ब लिखी है इसको फिल करना है, एक में लिखा लर्न, एक में लिखा इज बींग लर्निंग, एक लिखा हैड लर्न, तो हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, वो लिखी नहीं है, सी गलत है। इज के साथ ing, being आकर बी के साथ ing, दो ing एक साथ नहीं आ सकते, तो ये ऑप्शन जाएगा ए, लर्न सेकेंड फॉर्म। यहां भी सेकेंड फॉर्म है, तो देखो यहां भी आपको सेकेंड फॉर्म ही लिख देनी चाहिए, ये लर्न वर्ड इसमें जाएगा, कर लेंगे। सिक्स वर्ड आसान है, बहुत टेक्निकली चीजों की जल्दी से करने की कोशिश करें। सेवेंथ क्वेश्चन, केशव वाज, बात कर रहे हैं वाज की, वाज के साथ लिखा एंडोन, थर्ड फॉर्म लिख दी, इसका मतलब शेखर, एंडो का मतलब होता है प्रदान करना, तो शेखर को दिया गया रेयर टैलेंट, एक टैलेंट, मैंने कल ही एक वर्ड बताया था वो कैब में, रेयर, रेयर का मतलब होता है जो बहुत कम लोगों में मिलता है, तो केशव को बहुत मतलब रेयर टैलेंट से नवाजा गया है। अब जिस स्टूडेंट को ये बात मालूम है वो प्रेपोजिशन ध्यान रखिए एंडो के साथ विद चलते हैं, एंडोड विद,
कुछ भी नहीं सोचना, सी ऑप्शन जाएगा, केशव वाज एंडोल्ड विद। जब आपको किसी टैलेंट से नवाजा जाता है तो वहां प्रेपोजिशन विद चलता है, शेखर वाज एंडोल्ड विद टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए यहां आपको एरर्स इस तरह से पूछ ली गई है। उसने कहा वी मे ओनली बी हियर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई बट द वे वी लिव आवर लाइव्स विल स्टे विद द यूनिवर्स फॉर एवर। अब इसका मीनिंग मत लगाइए, लैंग्वेज समझिए। आपने कहा वी मे ओनली बी हियर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, अब आपने वर्ड यूज किया ओनली, ओनली के साथ आप लिखा वर्ब, आपने समझ रहे इस पॉइंट को, वी मे ओनली बी हियर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, कि हम यहां रह सकते हैं सिर्फ आंख की पलक झपकने के तौर पे यहां रह सकते हैं, बट द वे वी लिव आवर लिव्स आवर लाइव्स विल स्टे विद द यूनिवर्स फॉर एवर। इस लैंग्वेज को समझिए कि हम पृथ्वी पे आए हैं बहुत कम समय के लिए, लेकिन जो हमारा तरीका है वो सदियों सदियों तक इस ब्रह्मांड में रह सकता है। लैंग्वेज क्या है इसमें, तो वी में जो ये जो ओनली लिखा है, ये ओनली आपके रहने के टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ओनली उठ के यहां जाएगा इनसे पहले। ये सेंटेंस बनेगा वी मे बी हियर, हम यहां रह सकते हैं ओनली इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी सी ऑप्शन को ठीक कीजिए, यानी आपका पहला ऑप्शन गलत है यहां पर, और ये लिखा आपका सी में जाके, तो इसी ऑप्शन को ठीक कीजिए, वी मे बी हियर ओनली इन द ब्लिंक ऑफ आई, ओनली इन द ब्लिंक ऑफ आई वी मे बी हियर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को जल्दी करने की हैबिट बनाइए, क्वेश्चंस को समझिए, वोकैब स्ट्रॉन्ग कीजिए और फोकस कीजिए कौन सी चीज को देखना होता है। सारा क्वेश्चंस पढ़ने के लिए नहीं होता, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चंस लेके, और ये सभी क्वेश्चंस मेंस सीजीएल मेंस सीपीओ मेंस या सीडीएस में एनडीए में सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेंस के क्वेश्चंस कुछ अलग होते हैं। बच्चे पूछ रहे थे सर मेंस के लिए कुछ बताओ, मेंस के लिए कुछ बताओ, बेटा सेम होता है मेंस और प्री हो, ये टीचर्स ने गुमराह कर रखा है हम लोगों को, नहीं मेंस अलग है प्री अलग है, इन चक्करों में ना पढ़े, चीज़ों को समझिए और उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।